जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मां समली। मोर समूह मां बहन आर दादा भाई समकुन वावचार आर पुष्पनीर गुर्दे टे शुभेच्छा आर अभिनंदन। मेरे परिवारजनों, संबलपुर वीर सुरेंद्र राय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी, संत कवि भीम भोई जैसे दार्शनिकों और स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जैसे स्वाभिमानी देशभक्तों की भूमि है। मैं कुदुवपाली, चित्ताखाई और सिंगोड़ा के सभी शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष ओडिशा की कला संस्कृति की सेवा करने वाले चार और साथियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। मैं गोपीनाथ स्वयं जी, भगवत प्रधान जी, विनोद महाराणा जी और विनोद कुमार पसायत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी गर्व और गौरव का दिन है। आप सबको ये खुशखबरी मिल चुकी है कि आज देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये सम्मान राष्ट्र सेवा की परंपरा के सम्मान के हम सब कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है। ये सम्मान उस विचारधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम को लेकर के ही चलती है। ये सम्मान दो सांसदों वाली पार्टी से चलकर देश और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का और लोकतंत्र को मजबूती देने वाले कार्यकर्ताओं के संघर्षों का सम्मान है। एक समय था जब शुचिता और ईमानदारी पर आधारित एक अलग राजनीति के कारण भाजपा को सियासी अछूत घोषित कर दिया गया, लेकिन अटल जी के साथ आडवाणी जी जैसे नेताओं ने उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अपना जीवन खपाया। आडवाणी जी ने भारत के लोकतंत्र को एक पार्टी एक परिवार की कैद से निकालने के लिए निरंतर संघर्ष किया, सबका मार्गदर्शन किया। उन्होंने परिवारवादी विचारधारा को चुनौती देकर भारत के लोकतंत्र को सर्वसमावेशी और राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ा। आज उस तपस्या का परिणाम हम सब देख रहे हैं। मैं आडवाणी जी को पुनः बधाई दूंगा, उनके दीर्घायु होने की कामना करूंगा। साथियों, अब से कुछ देर पहले ही मैंने
ओडिशा के विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। केंद्र की भाजपा सरकार ओडिशा के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इन योजनाओं के लिए ओडिशा के लोगों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, दो दिन पहले ही देश का नया बजट आया है। पिछले 10 वर्षों में जिस नीति पर चलते हुए देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये बजट उसी नीति को और मजबूत करता है। इस बजट का ऐलान है गरीबों को सशक्त करने की गारंटी। हमारे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मछली पालक हो, ये बजट सबके विकास की गारंटी देता है। और आप ये भलीभांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी है कि देश के हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिल चुका है। इसमें से 25 लाख लाभार्थी परिवार ये हमारे उड़ीसा के ही हैं, जिन लोगों को अब तक पीएम आवास योजना के घर नहीं मिल पाए, उनकी भी चिंता हमारी सरकार कर रही है। इस बजट में गरीबों के लिए 2 करोड़ और नए घर बनाने की घोषणा की गई है। आप अपने इलाके में कोई भी गरीब परिवार अगर पक्के घर में नहीं रह रहा है तो जाकर के बताना कि मोदी जी आए थे, आपको पक्का घर देंगे, इसकी गारंटी देके गए हैं। बताओगे? सबको बताओगे? मिलकर के बताओगे? मेरा कोई गरीब भाई बहन झुग्गी झोपड़ी में ना रहे, इसके लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं। साथियों, किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, इनकी आय बढ़े, इनका जीवन आसान हो, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से पहली बार देश के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है। इसमें से ओडिशा के भी 40 लाख किसानों को लाभ हुआ है। हर किसान के बैंक खाते में भाजपा सरकार ने कम से कम 30,000 रुपये भेजे हैं। आपको आंकड़ा याद रहेगा,
जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आंकड़ा याद रहेगा? एक किसान को कितने रुपए पहुंचे हैं? 30,000। कितने? भाजपा सरकार ने पहली बार लागत का 1.5 गुना एमएसपी भी सुनिश्चित किया। भाजपा सरकार यहां के धान किसानों से ज्यादा सरकारी खरीद भी कर रही है। 2014 के पहले के 10 सालों में ओडिशा के धान किसानों से 36,000 करोड़ रुपए की खरीदी हुई थी। ये आंकड़े याद रखना। जब पहले जो लोग सरकार चलाते थे उन्होंने 36,000 करोड़ रुपए का ही धान खरीदा था, जबकि हमारी सरकार के 10 साल में ओडिशा के धान किसानों को एमएसपी के रूप में 1,10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। अभी जो बजट आया है उसमें भी किसानों की आय बढ़ाने के और खर्च करने के लिए अनेक विविध योजनाएं देश के सामने रखी गई है। नैनो यूरिया के बाद अब केंद्र सरकार नैनो डीएपी भी किसानों को उपलब्ध कराने जा रही है। इससे किसान की लागत और कम होगी। हमारी सरकार देश के करोड़ों पशुपालकों के लिए भी बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बजट में मछुआरों के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा की है। मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाली मदद अब और बढ़ाई जाएगी। इसका बहुत बड़ा लाभ ओडिशा के मछुआरे साथियों को भी होगा। साथियों, मछली पालकों के हित में जितना काम भाजपा की सरकार ने किया है उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया। ये भाजपा की सरकार है जिसने मछली पालकों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग मिनिस्ट्री बनाई। ये भाजपा की सरकार है जिसने मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। ये भाजपा की सरकार है जिसने मछली पालकों की बीमा राशि को 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए किया। हमारे मछुआरे भाइयों के पास आधुनिक नावें हो, उनके पास आधुनिक संसाधन हो, इसके लिए भाजपा सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की मदद दी है। सरकार के इन प्रयासों से देश में मछली उत्पादन भी रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, भाजपा सरकार लगातार आपका जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रही है। आपकी बचत बढ़े, आपकी आमदनी बढ़े, आपके खर्च कम हो, ये हमारी प्राथमिकता है। बीते 10 वर्षों में हमने उन गांवों में भी बिजली पहुंचाई जो आजादी के अनेक दशकों बाद भी अंधेरे में थे। हमारे इस अभियान से उड़ीसा के भी 25 लाख से अधिक परिवारों तक बिजली पहुंची। हम एलईडी बल्ब की नई क्रांति देश में लाए ताकि बिजली का बिल कम हो। अब हमारा प्रयास है
कि देश के गरीब का बिजली बिल भी जीरो हो जाए। इसलिए इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। इससे छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने वालों को मुफ्त बिजली तो मिलेगी ही, वो ज्यादा बिजली पैदा कर उसे बेचकर उसके भी पैसे की कमाई कर सकेंगे। और ये हमारा उड़िया तो सूर्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। जहां कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, वहां हर घर में तपता हुआ सूरज एक नई जिंदगी लेकर के आएगा। रूफटॉप सोलर की इतनी बड़ी योजना से देश में रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनेंगे। भाइयों और बहनों, बीते 10 वर्षों में बहनों के स्वास्थ्य, उनकी सुविधा के लिए जो अभूतपूर्व काम हुए हैं, उनको इस बजट में और विस्तार दिया गया है। गांव गांव में महिला और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अब भाजपा सरकार ने तय किया है कि आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। आज ओडिशा में बने 6,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लाभ हमारी बहनों बेटियों को ही हो रहा है। भाजपा सरकार ने ओडिशा के 60 लाख से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया है। यहां की लगभग 55 लाख बहनों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। इसने हमारी बहनों बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधारा है और उनका जीवन भी आसान किया है। साथियों, मोदी ने बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। बीते 10 वर्षों में करीब 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस वर्ष के बजट में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ बड़ा कदम उठाया गया है। आप कल्पना कीजिए, जब इतने परिवार की बहनों लखपति होगी तो पूरे परिवार की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। और मैं आज देख रहा हूं, दूर दूर तक माताएं बहनें ही दिख रही है। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आए, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। इससे ओडिशा में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों बहनों को बहुत लाभ होने जा रहा है। साथियों, 2014 से पहले के 10 वर्षों में केंद्र में जो सरकार थी, वो बजट में जितनी घोषणाएं करती थी उनसे कई गुना बड़े घोटाले करती थी। 2014 से पहले भारत का युवा निराशा में डूबा था, उसका भविष्य अंधेरे में था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई है। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से भरा है, क्योंकि उसके पीछे
ईमानदार और मजबूत भाजपा सरकार खड़ी है, जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास आज मोदी की गारंटी है। आज किसी को मुद्रा योजना का लोन लेना हो तो उसके पास मोदी की गारंटी है। आज किसी को स्वनिधि योजना का लोन लेना हो तो उसके पास मोदी की गारंटी है। संबलपुर तो मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। केंद्र सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में उड़ीसा में हजारों नए लघु उद्योग स्थापित हुए हैं। उड़ीसा में हथकरघा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 30 से ज्यादा हथकरघा क्लस्टर स्वीकृत किए हैं। जब मैं यहां उतरा तो मुझे स्पेशल जैकेट पहनने का आग्रह किया हमारी टोली ने। मैंने कहा क्यों? अरे बोले साहब, इतना बड़ा हथकरघा के लिए काम हुआ है, आज जरा आप इसको पहनिए, मेरे लिए ये प्रसाद है, मैं आपका आभारी हूं। जो परिवार ऐसी चीजें बनाते हैं ना, मैं उनका गौरव करता हूं। कच्चा माल हो या फिर दूसरी मदद, यहां के उद्यमियों को केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये की मदद दी है। इसका लाभ यहां के श्रमिकों और नौजवानों को हुआ है। मेरे परिवारजनों, मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास किसी का सहारा नहीं है। जिसका कोई नहीं उसका मोदी है। ओडिशा में बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी समाज रहता है, लेकिन सालों साल तक सरकारें चलाने वालों ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा। मोदी ने तो अपने आदिवासी भाई बहनों के बीच दशकों तक काम किया है, मैं उनके सुख दुख से परिचित हूं। इसलिए आज हमारी सरकार आदिवासी कल्याण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। बीते 10 वर्षों में जनजातीय कल्याण के लिए बजट को हमने कई गुना बढ़ाया है। ये भाजपा ही है जिसने ओडिशा की सम्मानित बेटी, आदिवासी समाज की प्रतिनिधि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया है। अभी 3 दिन पहले जब उन्होंने संसद को संबोधित किया तो पूरी दुनिया उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुन रही थी। लेकिन ओडिशा के मेरे भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी थी। और वो द्रौपदी जी का अपमान था, ऐसा नहीं, समग्र देश के आदिवासी समाज का अपमान था। वो द्रौपदी जी का अपमान नहीं, ये मेरे प्यारे उड़ीसा का भी अपमान था। साथियों, आज भाजपा सरकार राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों के योगदान को निरंतर आगे ला रहा है। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। आदिवासी जनजातियों में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, जिन्हें पीवीटीजी कहते हैं,
उनकी भी पहली बार किसी ने सूद ली है तो वो भाजपा सरकार है। इन जनजातियों के लिए पहली बार हजारों करोड़ रुपए की पीएम जन मन योजना बनाई गई। इसका सबसे अधिक फायदा ओडिशा के करीब 1700 कबीलों के लाखों साथियों को होने वाला है। इससे इन बस्तियों में अच्छे घर बनेंगे, सड़कें पहुंचेगी, पानी पहुंचेगा, रोजगार के साधन बनेंगे। इस क्षेत्र के देवगढ़ के जो पावड़ी भूया बहन भाई हैं, उन्हें भी जनमन अभियान से बहुत मदद मिलने जा रही है। साथियों, भाजपा सरकार गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार है, गरीबों की चिंता को कम करने वाली सरकार है। हम आज गरीब को मुफ्त अनाज और मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं। ओडिशा के 3.25 करोड़ साथियों को आने वाले 5 वर्ष तक राशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके घर भोजन बनता रहे, इसकी गारंटी मोदी ने दी है। मोदी ने एक और काम भी किया है। ओडिशा के जो साथी काम के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं, उनके परेशानी को भी समझा है। और मेरे गुजरात में तो बहुत बड़ी तादाद में मेरे उड़िया भाई बहन रहते हैं। गुजरात के विकास में मेरे उड़िया भाई बहन गुजरात में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और इसलिए मैं उनके जीवन को, बाहर रहने के कारण जो आवश्यकता है होती है, इनको भली भांति जानता हूं। पहले उन्हें दूसरे राज्यों में सरकारी रोशन नहीं मिल पाता था। यह बना रोशन राशन कार्ड दूसरे राज्यों में नहीं चलता था। मोदी एक देश एक राशन कार्ड योजना लेकर आया। आज ओडिशा का कोई भी साथी देश के किसी भी राज्य में मुफ्त राशन का लाभ ले सकता है। मेरे परिवारजनों, बीजेपी की केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी पहचान नए भारत के निर्माण की रही है। इस वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। 10 वर्ष पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम का बजट रहता था। इसका सीधा अर्थ यह है कि आने वाले साल में रोड, रेल, हवाई अड्डे, मेट्रो, बिजली, गैस ऐसे हर प्रोजेक्ट का बहुत विस्तार होगा। इससे लाखों नए रोजगार भी बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च रेत, सीमेंट, लोहा, मशीनें ऐसे अनेक सेक्टरों को गति देता है। यानी इन सभी उद्योगों में, ऐसे हर बिजनेस में नई भर्तियां होती हैं। भाजपा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च कर रही है तो इसका सबसे अधिक लाभ पूर्वी भारत को, ओडिशा को हो रहा है। भाई और बहनों, दिल्ली में जब कांग्रेस का राज था तब ओडिशा को अपने हक के लिए भी परेशान होना पड़ता था। आज आपका ये बेटा दिल्ली में बैठा है, इसलिए आज ओडिशा के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। बीते 10 वर्षों में ओडिशा में नेशनल हाईवे के लिए 7 गुना अधिक बजट दिया गया। रेलवे विकास के लिए
औसत बजट में 12 गुना तक वृद्धि की है। ओडिशा में रेलवे का 100% बिजलीकरण हुआ है। आज ओडिशा में पूरी हावड़ा और पूरी राउरकेला पर इस रूट पर तेज गति की आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। साथियों, आज मैं ओडिशा आता हूं तो यहां के विकास को गति देने के संकल्प के साथ आता हूं। लेकिन आपको याद करना होगा, 2014 से पहले दिल्ली से कांग्रेस के नेता यहां आते थे तो क्या करते थे वे लोग? या कालाहांडी जाते थे, आदिवासी बस्तियों में जाकर तस्वीरें खिंचवाते थे, टीवी और अखबारों में तस्वीरें छपती थी और पूरी दुनिया में उड़ीसा की गरीबी छाई रहती थी। जिस उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, जहां कोणार्क में सूर्यदेव विराजते हो, जहां हजारों वर्षों की हमारी समृद्ध सभ्यता के निशान है, ऐसे समृद्ध उड़ीसा को कुछ राजनीतिक दलों ने विकास से वंचित रखने का पाप किया। साथियों, 2014 से पहले जहां उड़ीसा की पहचान को खराब करने के प्रयास होते थे, वहीं हमारी सरकार आज उड़ीसा का गौरव बढ़ा रही है। आपने देखा है कि उड़ीसा में G20 की बड़ी बैठकें हुई, जिनमें दुनिया भर के लोग आए। दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी ओडिशा छाया रहा। भारत की सांस्कृतिक विरासत के, उसे दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं को परिचित कराने के लिए हमने कोणार्क चक्र को चुना। आज दुनिया के शीर्ष नेताओं में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी तस्वीर कोणार्क चक्र के सामने न हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दुनिया के नेताओं को ओडिशा की समृद्ध धरोहर के बारे में बताने का अवसर मिला। यहां पर्यटन के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं, हीराकुंड बांध में भी पर्यटन की जितनी संभावनाएं हैं उनका उपयोग नहीं हो पाया। भाजपा सरकार बनते ही इस क्षेत्र में टूरिज्म के नए आयाम जोड़े जाएंगे। वैसे साथियों, जीवन में सुख और दुख दोनों समाहित होते हैं। आज प्रतिभाशाली फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साधु महर जी के निधन का दुखद समाचार भी मिला। साधु महर फिल्म और कला के क्षेत्र में ओडिशा की प्रतिभा के एम्बेसडर थे। हमारी सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। उनके जरिए ओडिशा के लोगों की प्रतिभा को सम्मानित किया था। मैं श्री साधु महर जी को मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, हमारी सरकार ओडिशा का गौरव बढ़ाने, ओडिशा का सम्मान बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, भाजपा ही है जिसके पास ओडिशा के देश के विकास के लिए एक प्रोग्राम है, एक रोड मैप है। आपको याद रखना है, मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीदें खत्म हो जाती है। और मोदी की गारंटी ओडिशा के विकास से भारत को विकसित बनाने की है। एक बार फिर आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आकर हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माताओं बहनों का विशेष धन्यवाद करता हूं, वे समय निकाल करके हमें आशीर्वाद देने आई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।